हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज हब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे तमिल में कलर्स के नाम। इन्हें हम हिंदी के द्वारा समझेंगे, साथ ही साथ इनको इंग्लिश में भी हम देखेंगे। तमिल टू इंग्लिश और तमिल टू हिंदी, या फिर हम बोल सकते हैं हिंदी टू तमिल या हिंदी टू इंग्लिश। इस प्रकार से हम इनको समझेंगे ताकि आप हर एक भाषा के माध्यम से इनको माइंड में सेट कर सकें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला हमारा शब्द है निरंकल। निरंकल मतलब क्या होता है? रंग या कलर। क्या होता है निरंकल? मतलब रंग या कलर। अब निरंकल को पढ़ते कैसे हैं, रीड कैसे करते हैं? तो ये आपका है न, इसमें मात्रा लगी हुई छोटी हुई कि नी, ये र, ये न आधा, ये क पूरा, ये ल आधा। निरंकल मतलब कलर। नेक्स्ट है आपका करुप। करुप मतलब होता है काला या ब्लैक। करुप तमिल में करुप, हिंदी में काला, इंग्लिश में ब्लैक। अब रीड कैसे करते हैं तमिल में? तो ये है क, ये र, ये ऊ की मात्रा करु, ये प आधा, ये प पूरा। क्या हो गया? करुप मतलब ब्लैक, काला। नेक्स्ट है आपका नीलम, हिंदी में नीला और इंग्लिश में ब्लू। ठीक है, तमिल में क्या होगा? नीलम। अब इसे पढ़ेंगे कैसे? ये आपका न है, ये जो मात्रा लगी हुई बड़ी है, नी ल म, नीलम ब्लू। नीलम मतलब ब्लू। नेक्स्ट है आपका पलुप मतलब ब्राउन। पलुप मतलब ब्राउन या भूरा, भूरा या ब्राउन, पलुप। अब रीड कैसे करेंगे? प, ये आपका ल में ऊ की मतलब लगी हुई है, प आधा, प पूरा, पलुप ब्राउन या भूरा। नेक्स्ट है आपका पचई। पसई, पसई मतलब हरा, ये ग्रीन। पसे मतलब हरा या ग्रीन कलर। ठीक है, तमिल में रीड कैसे करेंगे? प, ये आपका श आधा, ठीक है ना, और ये श पूरा, और ई की मात्रा पशई। पशई मतलब ये ई की मात्रा, ये आपकी ई की मात्रा, पशई हरा ग्रीन। नेक्स्ट है आपका ऑरेंज। ऑरेंज मतलब नारंगी या ऑरेंज। तमिल में क्या बोलेंगे? ऑरेंज। ऑरेंज को रीड कैसे करेंगे तमिल में? ये है आपका बड़ा आ, ये र, ये क्या है न, ये च, ऑरेंज। ऑरेंज मतलब ऑरेंज या नारंगी। नेक्स्ट है आपका एलेंजी पेप। एलेंजी पेप, एलेंजी पेप मतलब होता है गुलाबी या पिंक। एलेंजी पेप मतलब क्या होता है? गुलाबी या पिंक होता है ना। ये ई ल, एलेंसी, एलेंसी, एलेंजी पेप, ये क्या है? एलेंज न आता सी, ची या सी, एलेंजी बे, ये क्या है? बे आधा और बे पूरा। लंजिप का मतलब होता है पिंक या गुलाबी। नेक्स्ट है आपका ऊड, जामुनी या पर्पल। जामुन या पर्पल, ऊड, उड, जामुनी या पर्पल, उड, जामुनी या पर्पल। उड मतलब क्या होता है? जामुनी या पर्पल होता है, ठीक है ना। उड मतलब क्या होता है? जामुनी या पर्पल। नेक्स्ट है आपका सिबप। सिबप मतलब क्या होता है? सिबप पे है मतलब लाल या रेड। सिबप मतलब क्या होता है? लाल या रेड बोल सकते हैं। ये है आपका स, ई की मात्रा सी, ये व, ये प आधा पूरा, सर। सिबप, सिबप मतलब लाल या रेड। नेक्स्ट है आपका वेले। वेले मतलब सफेद या वाइट। क्या होता है? व्हाइट। वेले में सफेद या व्हाइट। ये है आपका व, ये आपकी ए की मात्रा वे, ये ल आधा, ये ल पूरा, और ये ई की मात्रा वेले। वेले, वेले मतलब व्हाइट। ठीक है, तो इस तरीके से तमिल में हम कलर्स को समझते हैं। पिछली वीडियो में हमने तमिल में और भी कुछ बनाया, जैसे तमिल में अल्फ़ाबेट्स, तमिल में वाराखड़ी, तमिल में क्रियाएँ, तमिल में एनिमल्स के नाम, तमिल में रिलेशनशिप, परिवार में जो रिलेशनशिप होती है उनको क्या बोलते हैं। फिर हमने पिछली वीडियो में तमिल में एनिमल्स के बारे में भी वीडियो बनाया हुआ है ना, तो उन सब वीडियो को भी आप समझ सकते हैं, जो कि बिगिनर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको आज की वीडियो में कहीं डाउट है किसी पॉइंट पर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।